ब्राउन बियर मोटर स्पोर्ट सोसाइटी द्वारा बनाए गए 3D लोगो का आज उपायुक्त चंबा DC राणा ने विमोचन किया। यह लोगो ब्राउन बियर मोटर स्पोर्ट सोसाइटी के सदस्य एवं निफ्ट कांगड़ा के छात्र प्रिंस कुमार राज द्वारा बनाया गया है। इस दौरान उपायुक्त DC राणा ने बताया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी रैली ऑफ चंबा का आयोजन किया जाएगा। 9 जून को रैली का शुभारंभ होगा जबकि 12 जून को रैली संपन्न होगी। इस रैली में बाइक और कार चालक भाग ले सकेंगे। रैली के लिए प्रतिभागियों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। इस बार भी देश के कोने कोने से प्रतिभागियों के रैली में भाग लेने की संभावना है। उपायुक्त ने कहा कि चलो चंबा अभियान जिला चंबा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष चलो चंबा कैंपेन का जो हमारा शुरुआत हुई थी वो रैली ऑफ चंबा के नाम से हुई थी, और उसमें प्रशासन ने जो हमारी स्थानीय एक संस्था उस टाइम बनी थी ब्राउन बियर मोटर स्पोर्ट, उसके साथ ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था और बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा, जिसमें इस रैली में लगभग 100 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया, जो अलग अलग राज्यों से भी आए थे और पूरे प्रदेश से भी आए थे, और जो इस मोटर स्पोर्ट से बड़े लंबे समय से जुड़े हुए थे। उसके बाद अच्छी बात यह है कि ब्राउन बियर मोटर स्पोर्ट ने इस जो इनिशिएटिव था इसको आगे लेके गए। उन्होंने TSD रैली चंबा में ऑर्गेनाइज की, उसके बाद विंटर स्पोर्ट्स को लेके लाहौल में इस तरह की रैली ऑर्गेनाइज हुई, और अब इसका जो अगला चरण है जो चंबा में रैली ऑफ चंबा का है, इसका 9 जून से 12 जून तक चंबा में रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मोटर स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के साथ जो एफिलिएटेड एक बॉडी है, और चंबा के लिए एक मुझे लगता है बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि चंबा एक एडवेंचर स्पोर्ट के तौर पे पूरे देश में जो है उभर रहा है, और इस संस्था को जो भी प्रशासन की तरफ से जो सहायता चाहिए हम उनको उपलब्ध कराएंगे। और आज जो 2022 की जो रैली है उसका लोगो इन्होंने लॉन्च किया है, मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रमों से चंबा में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोग चंबा की खूबसूरती को देखेंगे और चंबा एक एडवेंचर स्पोर्ट के रूप में उभर के आएगा। सर, रैली ऑफ चंबा करवाने का दिव्य हिमाचल TV के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।